कढ़ाई से घी ज़्यादा निकले या कम निकले वो दूध के ऊपर निर्भर करता है कि दूध कैसा है। अच्छा दूध होगा तो अच्छा घी निकलेगा और थोड़ा पतला दूध होगा तो कम घी निकलेगा। हेलो दोस्तों, ये मेरे 10-12 दिन की मलाई है 2 लीटर दूध की। इसे मैं मिक्सी के जार से निकालूंगी, इसका मक्खन निकाल के फिर दिखाती हूँ, इसका घी निकालूंगी मैं। मैंने मिक्सी के जार से मक्खन निकाल लिया है, मैंने इस जार से निकाला है। अब मैं इस मक्खन और दूध को अलग अलग कर लेती हूँ, फिर दिखाती हूँ। मैंने ये मक्खन निकाल लिया है, इसका ये मैंने दूध अलग कर लिया है। इसमें पानी डाल के अच्छे से मैं इसे धो के अब साफ पानी में निकाल के और इसको घी बनाने को रखूँगी। अब मैंने पानी में से ये पूरा मक्खन निकाल लिया है, इसमें बिल्कुल भी पानी नहीं बचा है। इस तरह से करके ये पूरा ही पानी निकल जाता है। अब मैंने ये पूरा मक्खन निकाल लिया है। ये मलाई का जो दूध निकला है, मक्खन अलग कर लिया है, उसका मैं गर्म करके दही बनाऊंगी। उसका चाहे कढ़ी बनाओ या दही खाओ या मट्ठा बनाओ या रायता, इसमें थोड़ी बहुत चिकनाई रह जाती है, उसे बहुत ही स्वादिष्ट दही लगता है। ये मक्खन अब गर्म करने रख देती हूँ। मैंने ये गैस सिम कर लिया है, इस पर मैं ये मक्खन रख देती हूँ घी बनने को। मलाई का दूध निकला था उसको मैंने गर्म करने रख दिया है, थोड़ा सा जमने लायक गर्म हो जाएगा तो मैं इसे जमा दूँगी। मैंने जमाने के लिए 1 चम्मच दही लिया है, मैं दही से ही जमाती हूँ और किसी चीज़ से नहीं जमाती। ठंड में थोड़ा ज़्यादा लगता है, इस वजह से मैंने थोड़ा ज़्यादा सा लिया है। मैंने 1 चम्मच दही लिया है जामुन के लिए। ठंड में थोड़ा ज़्यादा लगता है, इस वजह से मैंने 1 चम्मच लिया है, गर्मियों में थोड़े से जम जाता है। इसे मैंने अच्छे से मिला दिया है। इसमें मैं और दूध डाल देती हूँ। दूध डाल के इसको किसी बर्तन से फेंट दूँगी अच्छे से। मैंने इसे चम्मच से अच्छे से फेंट दिया है जो कि जल्दी जम जाएगा। घी में ऊपर को उफान ना आए उसके लिए ये चम्मच डाल देनी चाहिए, तो वो नीचे ही उबलता रहता है, ऊपर को उफान नहीं आता। मेरा ये घी बनके तैयार है, इसको मैं छान लेती हूँ, छान के फिर दिखाती हूँ। ये घी बनके तैयार है। मलाई से निकले हुए दूध का दही जम के तैयार है। मैंने इसको एक डब्बे में रख दिया था गर्म कपड़े से ढक के, क्योंकि अब सर्दियाँ बहुत हैं तो इस वजह से गर्म कपड़े से ढक के बहुत जल्दी जम जाता है। दही जम के तैयार है, बहुत ही अच्छा दही जमा है। इसकी चाय आप कढ़ी बना लो, रायता बना लो या मठा बना के पी लो, कुछ भी कर लो, बहुत ही अच्छा है, बहुत ही स्वादिष्ट है। क्योंकि मलाई निकालते में कुछ थोड़ी बहुत चिकनाई इसमें रह जाती है, वो चिकनाई की वजह से बहुत ही स्वादिष्ट होता है। मलाई से निकले हुए दूध का दही बहुत ही अच्छा है, बहुत ही अच्छा जमा है, बहुत ही स्वादिष्ट है। मलाई से निकले हुए दूध का दही थोड़ा पतला होता है, प्योर दूध जितना तो नहीं गाढ़ा होता है, गाढ़ा होता है लेकिन इतना गाढ़ा नहीं होता है। तो मलाई के दूध से बने हुए दही को निकालने के बाद उसको थोड़ा सा चम्मच से ऐसे करके चला दो तो वो पानी नहीं छोड़ता है, वो ऐसा का ऐसा ही बना रहता है। घी को मैंने इस डब्बे में छान दिया था और ये ठंडा हो गया है। और घी दिखाती हूँ कितना दानेदार घी है, बहुत ही अच्छा है घी।